हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30। और ये देखिए भाई, आज का मौसम रात को तो खूब 1:30 बजे के लगभग खूब बारिश हुई। ये देखिए भाई, बहुत ही ठंड ठंड बादल भी गरज रहे हैं भाई। तो बूंदाबांदी फिर से होने लग गई है। आज तो बहुत बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा हो गया है और ऐसे ही मौसम चाहिए थे हमारे को। इस मौसम का हमारे को बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र देवता जी को। तो दोस्तों, आज हमने नाश्ते में बना रखी है सोयाबीन की चटनी, जिसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं भट। और ये रही भाई उसकी चटनी, मैंने पता नहीं क्या क्या मिला रखा है इसमें, और अच्छी लग रही है भाई। तो अब खाते हैं घी के साथ और चटनी के साथ गर्मा गर्म रोटियां। तो आप लोग भी आ जाइए भाई भट की चटनी खाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय रावत और आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग्स में, संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है बेदीखाल से। तो आज है भाई संडे और मैं बेदीखाल आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं भी बेदीखाल पहुँचा तो मुझे भी कॉल आई कि विजिट भी सर और मैम लोग आ रहे हैं। तो चलिए भाई, वो भी मिल चुके हैं मुझे और विजिट वगैरह भी हो चुकी है। तो चलिए, आप लोगों को भी मैं उनसे मिलाता हूँ। तो दोस्तों, बेदीखाल का मौसम भी देखिए भाई, बारिश वाला फिर से हो चुका है और पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सर भी आ रखे हैं आज विजिट पे चौबट्टा खाल से। और सर, बढ़िया बढ़िया पहुँच गए। बिल्कुल सर। और सर के साथ आ रखी है आकांक्षा नेगी जी भी। और सर, आने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सही बात है। और इनसे तो आप मिले हैं, ये है हमारे अमन भाई। और यहाँ पर मिलिए भाई हमारे सुंदर भाई से। और सुंदर भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ? बस हम भी बढ़िया। और कब पहुँचे? बस अभी पहुँच रहा थोड़ी देर। अच्छा अच्छा मिलिए यहाँ पर दोस्त राहुल रावत ब्लॉगर से, जो कि अभी अभी पहुँचे हैं। और ब्लॉगर साहब, कैसे हो? एकदम चक्कास। और आज आपकी दौड़ किधर को? हमारी दौड़ बैजरो। बैजरो तक कुछ काम? आपके लिए गिफ्ट ले जाएंगे। जरूर, धन्यवाद। फिर इंतजार करूंगा, बोल दिया है जब आपने तो है। बिल्कुल आना भी चाहिए गिफ्ट शाम को। इन्हें किस साल लगे थे यार, गिफ्ट ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है फिर है। तो यहाँ पर मिलिए हमारी दीदी जी से। दीदी जी भी पी रही है भले यहाँ पर चाय, और वो भी अकेले अकेले, हमें भी नहीं पूछा दीदी ने। ऐसे भी नहीं बोल रही है, नहीं पर पूछा भी नहीं, वही तो यार। और यहाँ पर मिलिए भाई हमारी गीता दीदी से। हेलो, कैसे हो? बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो? बस हम भी बढ़िया है। तो काफी लोग आपको देखना चाहते हैं भाई मेरे ब्लॉग में। अच्छा। हाँ, काफी लोग बोलते हैं गीता दीदी तो बड़ा रौनक है। वहाँ से आ रखे हो धारी देवी से घूम के, और अपने लिए कड़ा लाए और हमारे लिए क्या लाए? अरे हमारे ऐसे नहीं होगा भाई। अरे हम ऐसे ही गए, एकदम प्लान बना हमारा, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। नहीं तो अगले बार पड़ोसियों के लाए, लिए लाए और बहन के लिए नहीं लाए। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी जाएंगे। तो तब आप ले आना अपने भाई के लिए। चलो ठीक है फिर, क्या लाना है भाई के लिए? जो आपको पसंद आए, पहले डिमांड नहीं डालूंगा भाई कि ये लाना वो लाना। फोन कर देना जब जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बता देना। और बाकी और सुनाओ, आपकी दौड़ आज कहाँ तक? कहाँ तक हमारी दौड़ हो गई? अनपुर तक, दवाई लेने के लिए दादाजी के लिए। अच्छा। और ये ले जा रही हूँ मैं पथनिया। अच्छा, पुदीना। पथीना मैं पथने ही बोल रही घर घर है लोग। तो पुदीना है भाई दोस्तों, ये देखो। तो दीदी लगाने के लिए ले जा रही हूँ इसको मैं। बढ़िया बढ़िया। चटनी पीसने के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा, ले जा रखी है कल आपकी दुकान से। अच्छा, ये चटपटी चटनी बनाऊंगी मैं। ये चले वो भाई लाया धारी देवी से। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, देख लो। बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, चाय बढ़िया लग रहा है, लेकिन इस पे नहीं लग रहा है। देख उसका हुलिया, देख कैसे बना रखा उसने। है ठीक है, कल बढ़ेंगे। अरे अभी मेकअप करेगी अभी दीदी, काम काज से आ रही है ना, तो अभी जरा क्रीम पाउडर नहीं लगाया है। कल तो बोल रही थी बुखार से मर रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा ठीक हो गई, सिर दर्द हो गया कल। हो जाता है तब शादी ब्याह में। भैया को और लड़की को दिखाने के लिए ला रखी है उसने थोड़ी सी चाय। यहाँ से भी नहीं बोल रही चाय पी होगी, दोनों के दोनों में तो चाय पीती हूँ। चाय 1 बजे आती हूँ, चाहे 2 बजे आती हूँ, पर चाय तो मैंने पीनी है। ये दोनों बचत करते हैं, बचत नहीं करते हैं हम, पर हम नहीं पीते हैं। हम कम ही पीते हैं और हम चाय नहीं पीते, नहीं पीते। और बारिश कितनी हुई तब आपके भरपूर? बहुत सुंदर बारिश हुई कल 1 बजे से और आज सुबह तक।
अच्छा हो गया, मतलब राहत मिल गई है ना, मर्च जम जाएगी। हाँ, मिर्ची भी जम जाएगी। फुंगड़े तो बांझ हो रखे है लेकिन अब जम जाएगी मर्च। बड़े बड़े घर पदने कैसी महक चल रही है उसकी, बहुत ही अच्छी। हाँ, नाक बंद तो नहीं हो रखे ना। दिल्ली वाले जो भी देखते हो, ये पथने की चटनी खा जाओ, वो भी चटपटी बनाऊंगी मैं। ठीक है भाई, और खीरा भी ले जा रखे हैं आपने, तो अभी बाद में लगेंगे जब हमारे, लेकिन अभी दुकान में आ रखे हैं ना हमारे, तब तो सड़ियाण आएगी। हाँ सही बात है, अभी तरस रहे हम, सड़ियाण आएगी, कहाँ से आए कहाँ से खाए। सही बात है, तो चल भैया आप जा रहे हैं हम घर में। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। मैं क्यों नहीं गया शादी में, तो फिर ऐसे कुछ काम पड़ गया था ना मुझे, तब नहीं जा पाया, लेकिन बांदे अटेंड किए मैंने, न्यू ईयर अटेंड किए, वो तो देख लिया था बस। अभी आने वाला है दूसरा ब्लॉग भी। अच्छा, अभी एडिटिंग ही चल रही है, तब तक आप आ गए तो मैंने बोला चलो दीदी से भी मिलते हैं, एडिटिंग तो हो ही जाएगी। दीदी बार बार नहीं आएगी ना, दीदी भी तब काम काज ही है, अपने काम काज कई हो जाते हैं। चलो तो ठीक है, आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मौसा जी भी देखते हैं, उनको भी नमस्ते। नमस्ते भाई मौसा जी को भी, मेरी मौसा जी सब देखते हैं, वीडियो बोलते हैं, बोलती क्यों नहीं है कुछ बल। अच्छा, मेरी मौसी बोल रही थी। अच्छा अच्छा, मेरे नहीं यार, मेरे को अजीब सा लगता है, तभी नहीं बोलती। इतना भी बोलते हो कम है, कई लोग तो कैमरे के सामने आने में भी शर्माते हैं, लेकिन तो नहीं लगती है मेरे को। मैं तो देहरादून 5 दिन की चंडीगढ़ से घूम के आए हैं। कौन हम, कब अभी तो आए, देहरादून, पंचकुला, चंडीगढ़। अच्छा, और बनियावाला। अच्छा, और कोई काम कौन बैठ गया ना, कहाँ आए हैं हम घूमने को, ये भूल गई दीदी कहाँ गई। इनके बोली यार गौरव हुआ थी यार, हाथी था ही नहीं पता जो त्याग गौरव भरा था, हम तक का घड़ू पता। मेरे अंदर चले जार तो मैं बताई दी उनका को है अभी तो चल ना यार, तो जेटी चाहिए यार, पर भी होनी हुई राहुल अब यार। तो दोस्तों 12:30 हो चुके हैं, और यहाँ पर बस ने इन्हें भगा दिया, तो मुझे इन्हें लेने आना पड़ा। और यहाँ पर ऊपर हमारे अजय भाई भी नहा के अभी अभी निकले हैं बाथरूम से बाहर, छुप गए हैं। और अजय भाई ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, तो चलिए हम भी चलते हैं, इन्हें ले चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो ये और दिन आ ही जाते हैं, लेकिन आज बारिश के कारण ना मौसम ठंडा हो रखा था, तो इसलिए चढ़ने पे लगे थे, और तब तक बस आ गई, ये नीचे भाग गए, तब मुझे आना पड़ा इन्हें लेने, लेकिन ठीक है आ गए हैं। भाभी जी नमस्ते, आपने तो एकदम सरप्राइज दे दिया, लगाएंगे आपको शोभा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, बधाई हो। ओहो, गोली महाराज जी को भी दिखाएंगे अभी हम, अभी नहीं अभी दिखाएंगे, अभी सस्पेंस रहेगा लोगों को। अच्छा तो कोई बात नहीं, पहुंच गया गौरव का गई। तो यहाँ पर स्वागत कर रही हैं दीदी जी अपने पोते का, भाई ये देखो, अरे वाह। गौरव स्कूटी मानो बोला तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, और आपको मिलाते हैं, हमारे गांव में कोई आ रखा है तो नए मेहमान से मिलाते हैं। तो मिलिए भाई यहाँ पर अरमान भाई से, और अरमान जी कैसे हो? ठीक हूँ। तो अरमान है हमारी आरती दीदी का लड़का, और ये हुआ हमारा भांजा। तो कब पहुँचे अरमान आप? मैं 2 बजे शाम को। 2 बजे शाम को। हाँ। अच्छा, कौन सी जगह रहते हैं आप? मैं पालम दिल्ली। अच्छा, और ब्लॉग भी देखते हो? हाँ देखता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में गए आप? मैं 9th। अच्छा, कैसे लगते थे फिर आपको ब्लॉग्स? बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया बनाते हो आप। अच्छा थैंक यू। और सुनाओ तो कैसा लग रहा है गाँव में फिर? अच्छा अच्छा लग रहा है, वहाँ हो रही गर्मी की, यहाँ गर्मी उधर बहुत हो रही है। यहाँ का मौसम कैसा है? अच्छा है। अच्छा, ठंडा ठंडा बढ़िया। अच्छा तो चलिए फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बॉन्ड में, और आपको दिखाते हैं भाई आजकल सड़कों का काम जोरों शोरों से चल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पत्थर वगैरह सार दिए गए हैं, और नीचे से सड़क बन के आ चुकी है वहाँ पर तक। तो अभी उधर को नहीं चल रहे हैं हम, तो इधर भोराड़ वाली रोड को देखेंगे आप, तो ये भी पूरी एकदम पक्की हो चुकी है, कोयलदार हो चुका है, इस पर डामरीकरण ये देखो, और यहाँ पर फर्स्ट क्लास तरीके से बैठ रखे हैं हमारे अजय भाई और अरमान भाई।
तो चलिए अब अरमान हुआ मेरा भांजा और अजय हुआ मेरा भतीजा, तो दोनों के दोनों चलिए, चलो भाई चलो घूमते हैं, घूमने चलते हैं, क्या शर्मा रहे हो। तो दोस्तों ये देखिए भाई एकदम सड़क भी मस्त तरीके से बन चुकी है और यहाँ पर ना रोलर भी खड़ा हो रखा है जो कि इस बजरी वगैरह को एकदम प्लेन करता है बराबर। तो ये देखिए ये हुआ भाई रोलर जिसकी सहायता से पूरी सड़क, और अरमान अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेकिन हिला नहीं पाए थोड़ा भी। ये देखो भाई ऐसा रहता है ये रोलर, जिसने अगर रोलर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए भाई ऐसा रहता है। कुछ आगे से आपको भी दिखा दूँ फिर से एक बार, इस तरह की इसकी बनावट रहती है ये देखो। और यहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है इसका, और यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े हो रखे हैं। तो ये भी पूरी मेरे ख्याल से भौराड़ तक पक्की हो रखी है, और ये यहाँ पर तक हो रखी है और आगे भी हो रही है शायद। तो दोस्तों अभी यहीं पर तक हो रखी है ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन आगे से भी, और यहाँ से अभी वैसी पुरानी वाली रोड है तो इस पर भी कल होगा क्योंकि अभी छुट्टियाँ वगैरह हो चुकी होंगी। और यहाँ पर भी देखिए भाई ये बैठने के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिलिंची वगैरह बनाई गई थी ना वैसे यहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं। ये देखिए मसाले एकदम सेट हो चुका है और यहाँ पर इनके अंदर रखा गया है ये देखिए भाई माल वगैरह, तो इनको कल निकाला जाएगा। ये देखो अभी अभी का डाला गया है ये, तो ये भी एक दो घंटे में सेट हो जाता है। और यहाँ पर बजरी और कोयलदार को मिलाने वाली ना एक मशीन भी है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए भाई इस मशीन को तो मैं आज ही देख रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ से डालते हैं शायद मसाला, बैठे हो, और इस साइड को भी ट्रैक्टर वगैरह खड़े हो रखे हैं, और इधर तो आपको दिखाए थे मैंने नेपाली भैया लोग भी हैं। ये देखिए पूरे अलकतरे के ड्रम, कोयलदार बोलते हैं जिसे। ये देखो भाई फिर यहाँ पर से पक्की सड़क नज़र आएगी आपको, और यहाँ पर ना इन ड्रमों को भी गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद कोयलदार गर्म होता है, फिर उसके बाद मिलाया जाता है क्योंकि पिघल जाता है, और यहाँ पर से फिर पक्की सड़क स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हो, ठीक छो, क्या कर रहे हो? अच्छा बन गया खाना पीना, अच्छा आ जाओ घूमने, ठीक है ले आए पानी, मेहनत लग रही नहीं, कितना बड़ा डिब्बा ला रहे हो। ये देखो भाई गाड़ी भी सौ सौ भाग रही है। आ जा अरमान ऊपर आ, क्या नीम छाई नी नेट पैक, हाँ ओहो किसने पूरा भर रखा है ये, बाप रे बाप तो क्यों लाए इतना भारी, आराम से चाओ। ये देखो भाई कितनी सी तो ये लड़की है, कितना भारी डिब्बा ला रही है पानी का भाई, 40 लीटर का तो डिब्बा ही है ये, 40 लीटर का। ये देख रहे हो मेहनत भरी जिंदगी भाई, दर ये डिब्बा तो फॉरम दे रहे पेन। कुत्तों की हुई यहाँ पर भयंकर लड़ाई भाई दोस्तों, ये देखो वो तुम भाई जानो जो छटाना चाहो है उल्टो जमाने क्या जिमी ये देखो धनपुतली भाई, किस किस को पता है पहाड़ियों को तो पता होगा कि धनपुतलियां क्या हुई। और यहाँ हमारे नेपाली भैया लोग भी रहते हैं नीचे को, तो उनका भी बन रहा है भाई खाना पीना। ये देखिए उन्होंने भी अपने किचन टेंट वाले बना रखे हैं, तो गाय भी है, चील कवे उड़ रहे हैं, चील कवे तो नहीं है लेकिन ये धनपुतलियां है भाई, कितनी सारी आ रही है भाई दोस्तों। ये देखो और भाई आ गए, आ गए, कब हुई छुट्टी? आज तो छुट्टी में थे। अच्छा और यहाँ पर दीदी लोग भी घूम रहे हैं भाई, हो गई छुट्टी दीदी? मजे ले रहे हो मतलब है, बढ़िया बढ़िया। इनको आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको पता नहीं। तो यहाँ देखिए भाई दोस्तों नेपाल में वाले इनको बोलते हैं छीछी मेरे,
और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं इनको धनपुतलियां। ये देखो अभी पास में नहीं आ रखे तो मैं आपको क्लियर से दिखाऊं मैं। ये देखो भाई कितने सारे उड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे डंफर वाले भैया भी पहुंच चुके हैं, आज कतई स्मार्ट लग रहे हैं भाई। ये देखो आज बाल बूल दाढ़ी दूड़ी कटा के। ये हमारे राहुल भाई, दिखा दो जरा यार, हेलो हाय तो बोल दो दर्शकों को। अरे मुंड करके अध्यक्ष है, अंदर लो अध्यक्ष साहब, हमारे अंदर है मुंड करके। किचन के अध्यक्ष साहब हूँ। यहाँ पर देखिए भाई आटा लग चुका है और अब बनाएंगे अंकल जी रोटियाँ भाई गर्मा गर्म। लाइट भी जा चुकी है और सब कौन हुई तो आज मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, ठंड भी राहत मिल गया भी है ना। डिगनोड़ी टप से जावा, सब्जी भी बन चुकी है, सब्जी चढ़ा रखी है। ये देखो भाई ढक्कन लगा रखा है उन्होंने, ये चीज अंडा, अरे वाह अंडा कड़ी बन रही है भाई। और मिले यहाँ पर हमारे मंडल भैया से, वो भी लगे हैं अपने गेम खेलने पे। हमारे है। गेम खेलना वाला तो। और आप क्या कर रहे हो भैया? सब गेम पे है ना, आप तो काफी दिनों बाद नजर आ रहे हो। दूसरी साइड पे गए। कौन सी साइड पे? पोखड़ा, पोखड़ा वाली पे। अब यहाँ हो गया आपका ट्रांसफर है।